जन्म दादी माँ का खजाना एवं हमारे संस्कार नामक पुस्तक के विमोचन की शुभ संध्या में आप सभी का हार्दिक हमारे लिए आज बहुत ही गौरव का विषय है कि पूर्वांचल संस्कृति की गीतमाला को अपने सुरों में पिरोकर देश विदेश तक पहुंचाने वाली पद्मश्री श्रीमती मालिनी अवस्थी जी मुख्य अतिथि के रूप में आज के कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। आपका स्वागत मैं अपनी अंतस की गहराइयों से करती हूँ और चंद पंक्तियां आपको प्रेषित करती हूँ कि नारी शक्ति है, सम्मान है, नारी गौरव है, अभिमान है, नारी शक्ति है, सम्मान है, नारी गौरव है, अभिमान है, नारी ने रचा विधान है, कि नारी तुझको शत शत प्रणाम। तो ऐसी ही महान हस्ती का मैं स्वागत करती हूँ और साथ ही मैं स्वागत करती हूँ इस पुस्तक की जो प्रेरणा है, जिन्होंने अपने विचारों को अपने पुत्र तक पहुँचाया, अपनी इच्छा को अपने पुत्र तक पहुँचाया और जिन्होंने उसको एक अपनी लेखनी के माध्यम से एक पुस्तक का रूप दिया, ऐसी मनोरमा सिंह जी को, श्रीमती मनोरमा सिंह जी का मैं स्वागत करती हूँ, जिनके कारण हम ये पुस्तक हम तक पहुँच पाएगी, जिनके विचार उसमें जिनके विचार हम तक पहुँच पाएंगे इस पुस्तक के माध्यम से, और जिन्होंने अपनी इच्छा अपने पुत्र जो पर्यावरणविद हैं श्री सत्येंद्र सिंह जी उनको अपने विचार बताए कि वो अपने विचारों तक पाठकों के बीच तक पहुँचाना चाहती हैं पूर्वांचल की संस्कृति को, तो उन्होंने उसको अपनी लेखनी के माध्यम से एक पुस्तक का रूप दिया। तो ऐसी श्रीमती मनोरमा सिंह जी का मैं स्वागत करती हूँ और साथ ही उनकी बड़ी पुत्र वधु श्रीमती बबीता सिंह जी हमारे मध्य हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। उनकी छोटी पुत्र वधु दीपमाला सिंह जी भी हमारे मध्य हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही ऑनलाइन गाथा के पब्लिशर मिस्टर रौनक, जिनके कारण ये पुस्तक प्रिंट होकर पब्लिश होकर पाठकों तक पहुँचेगी, उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और हमारे बीच शिक्षाविद डॉक्टर अनिल वशिष्ठ, रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन एनसीटी दिल्ली हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आप जो देख रहे हैं ये पुस्तक में देखेंगे, अच्छा पुस्तक में आप देखेंगे कि बहुत चित्रांकन बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया है, फोटोग्राफी जो हमारे अंशुमन सिंह जी हैं, जो सत्येंद्र सिंह जी के पुत्र हैं, सुपुत्र हैं, उन्होंने ये चित्रांकन किया है, फोटोग्राफी की है। कहने को तो वो छोटे हैं, 12th क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन कौशल के बहुत धनी हैं, इतने इतनी सुंदर फोटोग्राफी देखेंगी, उनका भी मैं अभिनंदन करती हूँ। और अपर्णा सिंह जी हमारे बीच हैं, अपर्णा सिंह जी जो श्रीमती मनोरमा सिंह जी की पुत्री हैं, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप सभी लोगों का खासतौर से हमारी दीदी मालिनी जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आज इस कार्यक्रम में आकर हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और हमें यह मान दिया, और हम उनके इसके लिए बहुत ही कृतज्ञ और बहुत ही आभारी हैं। हम दीदी आपको ये बताना चाहते हैं कि ये पुस्तक की अगर आप प्रेरणा स्रोत कहें तो मेरी माँ तो है ही है, माँ के साथ में आप भी बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत हैं, क्योंकि जब 2016 में जब कार्यक्रम हुआ था डॉक्टर कलाम अवार्ड, तो आपने उसमें जो जो शब्द कहे थे, जो जो आपने वाक्य बोले थे उसमें, जो जो आपने पूर्वांचल के लिए या अपने संस्कार के लिए आपने बोला था, उसके बाद मदर से मेरी बात हुई, मेरी माँ से, तो इसके बाद फिर ये हुआ कि क्यों ना इसको पुस्तक का रूप दिया जाए। उसके बाद फिर तभी हमने ये पुस्तक आपको ही समर्पित करी है, और इसमें हम आपका बहुत बड़ा योगदान मानते हैं, क्योंकि हम आपको अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को बचाने के लिए आपका जो प्रयास है, आप जो प्रयास कर रही हैं या आप जितने भी कार्य कर रही हैं अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को बचाने के लिए, वो मतलब बहुत बड़ी बात है आजकल की दुनिया में, क्योंकि हम लोग भूलते जा रहे हैं अपनी विरासत को, और बिल्कुल भी हम लोग नहीं आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम लोग नहीं याद रख पा रहे हैं कि हमारे क्या संस्कार हैं, कैसे शादी ब्याह होना चाहिए, और आपने उन सारी चीज़ों को अपनी कला के माध्यम से, अपनी आर्ट के माध्यम से इतने अच्छे तरीके से आपने सबको पेश किया है। आपके कार्यक्रम में देखता हूँ, चाहे मालिनी की पाठशाला हो या
आपने अभी लॉकडाउन पीरियड में डेली शाम को 5 बजे आके सबको आपने इतने अच्छे तरीके से एक एक सब्जेक्ट पे आपने समझाया है और एक एक बताया है, एक एक विषय में आपने बताया है कि जिसकी जितनी तारीफ की जाए बहुत ही कम है। तो मैं आपका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने आज आई इस कार्यक्रम में और आपने इस कार्यक्रम की शुरुआत बढ़ाई, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। पुस्तक का नाम है दादी माँ का खजाना एवं हमारे संस्कार। दादी माँ का खजाना एवं हमारे संस्कार एक ऐसी अनूठी पुस्तक है जिसमें पूर्वांचल के स्वादिष्ट पकवानों की भीनी भीनी सुगंध तो है ही, साथ ही भारतीय संस्कारों की पोषक भी है ये पुस्तक। मुझे पूरा विश्वास है कि ये पुस्तक पाठकों के लिए मील का एक पत्थर साबित होगा। इस पुस्तक का महत्व उस समय और भी अधिक बढ़ जाता है, इसलिए और भी अधिक बढ़ जाता है क्योंकि इस पुस्तक की लेखिका श्रीमती मनोरमा सिंह जी पूर्वांचल की और संस्कृति से जुड़ी एक ऐसी महिला है जिन्होंने पूर्वांचल के प्रवेश में रहकर आजीवन वहाँ की संस्कृति को जिया है। और आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आज इस पुस्तक का विमोचन होने जा रहा है और इसको विमोचन को करने के लिए हमारे हमारे बीच एक महान हस्ती पद्मश्री श्रीमती मालिनी अवस्थी जी हमारे बीच उपस्थित है। मालिनी अवस्थी जी, आपका जन्म और सुगंध की नगरी कन्नौज में, आप मूल निवासी हैं। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ से आपने शिक्षा प्राप्त की। आप बनारस की पौराणिक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका गीता देवी शिष्य। आप हिंदी भाषा की बोलियों जैसे अवधी, बुंदेलखंडी, भोजपुरी आदि भाषाओं में गाती हैं। ठुमरी व कजरी में आपकी विशेष दक्षता है। आपको सूफी गायिका, लोक गायिका के रूप में भी आपको जाना जाता है। ने लगभग 33 वर्षों से आप इस संगीत के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। आपको समय समय पर विभिन्न पुरस्कारों से नवाजा गया है, अलंकृत किया गया है और 2016 में भारत सरकार ने आपको सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्मश्री से भूषित किया। तो आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच में है। हमारी पुस्तक के का विमोचन करने के लिए मैं स्वागत करती हूँ पुस्तक के विमोचन के लिए पद्मश्री श्रीमती मालिनी अवस्थी। सबसे पहले तो बहुत बहुत आपकी माता जी को प्रणाम करना चाहूंगी और पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी कि आज ये मनोरमा दादी माँ का खजाना और हमारे संस्कार ये पुस्तक मेरे पास है। मैं बहुत सादर उन्हें प्रणाम करते हुए और पूरे परिवार ने जिस तरह से इसमें भूमिका अपनी निभाई है मैं उनको भी ये देखिए मैं थोड़ा क्लोज कर दूँ ताकि जी 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 बिल्कुल बहुत बहुत बधाई के साथ मैं ये विमोचन करती हूँ, समर्पित करती हूँ। और सत्येंद्र जी को तो मैं जाने हुए 3-4 बरस ही हुए हैं लेकिन जिस तरह से उनके भीतर एक उत्साह है कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ अच्छा से जुड़ने के लिए, और मेरे बहुत प्रिय हैं अंशुमन दीपक, उनसे आपका संपर्क हुआ, एक कार्यक्रम के लिए आपने फोन किया था, फिर उसके बाद वो ऐसा जुड़े कि पूरी तरह परिवार जैसे हो गए। और इस कोविड के टाइम पे हम सबने देखा है कि जिस तरह से लोग अपने अपने घरों में कैद हुए हैं, एक सर्वे आया था कि वो क्या चीज है जो लोगों ने पूरे खाली समय ज्यादा की, दो चीजें, एक संगीत से जुड़े लोग और दूसरा लोगों ने भोजन बनाना प्रारंभ किया दोबारा बहुत लंबे समय बाद, यानी पाक विधा में भी रुचि वापस अग्रसर हुई और पुरुषों ने भोजन बनाना शुरू किया, महिलाओं ने भोजन बनाना शुरू किया, यानी संगीत और भोजन। और ऐसे समय पे जो पुस्तक आई है मैं मुझे लगता है ये सिर्फ बहुत न सिर्फ सामूहिक है, आप लोग जो भी इसको लाइव देख रहे हैं आप लोग जरूर इस किताब को मंगवाएं, चाहे आप डाक से मंगवाएं, अमेजोन से मंगवाएं, क्योंकि इस किताब को देखते ही जो हमारे घरेलू बहुत सारे जो पारंपरिक व्यंजन है जो इस समय लुप्त हो रहे, नई पीढ़ी जिनके बारे में जानती भी नहीं उनके बारे में भी इसमें दिख रहे हैं। और मैं बताना चाहूंगी आपके माता जी को प्रणाम करते हुए सतेंद्र जी कि आज आपने विमोचन का जो रखा है एक ऐसे समय में रखा है जब पूरा भारतवर्ष और महिला कल्याण विभाग संस्कृति जो भारत सरकार का मंत्रालय है
वो पोषण माह मना रहा है और पोषण माह के समय में पौष्टिक तत्व कौन से हों इसके बारे में लगातार प्रेरित कर रहा है कि लोग अपने घरेलू डिशेस बनाएं और सामने लाके बताएं कि कैसे पोषण अभियान और सफल हो। आज ही मैंने वीडियो बनाया है और मैंने उसमें सतपैठा ही बनाया और मैंने उस वीडियो में यही बताया कि दादी नानी की रसोई में हमेशा बहुत सारा प्यार तो था ही, बहुत सारा स्वाद भी था, लेकिन दो चीजें थी कि चूंकि वो हमारी इतनी चिंता करती थी इसलिए भोजन बहुत पौष्टिक भी होता था स्वादिष्ट होने के अलावा। जैसे कि तक पैसा की बात ले तो दालें हैं और साग है, कोई भी दाल कोई भी साग लेकर के आप बनाइए, बच्चों को साग खिलाना इतना मुश्किल है, लेकिन तक पैसा के साग को कितना साग और कितना न्यूट्रिशन ले लेते हैं उन्हें भी नहीं पता। नई पीढ़ी को नहीं पता होगा कि दशहरे और दिवाली पे हमारे यहाँ सूरन बनता है। जब मैंने रसाधे देखा तो मुझे इतनी प्रसन्नता हुई क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी मांगलिक अवसर होते हैं हमारे यहाँ घरों में रसाजे अवश्य बनते हैं और रसाजे के अलावा हमारे यहाँ बनते हैं पन्योछा भी, दाल फड़े आपने लिखे हैं, ठेकुआ बताया जो कि छठ का हमारे यहाँ का त्योहार है तो बहुत जो हमारे यहाँ बनता है। इसके अलावा जाड़े की चीजें हैं, मटर का निमोना, मीठे गुलगुले जो पहले जन्मदिन होने पे पुए माल पुए गुलगुले ही खिलाए जाते थे, केक का चलन नहीं था। और गुड़ से बनता है, गुड़ आपको पता है कि आयरन का सबसे रिच स्रोत है। तो दादी माँ की जो इस पुस्तक में सबसे बड़ी बात यह है कि आपको स्वादिष्ट भोजन के संग संग पौष्टिक भोजन मिलेगा और यही आज के रसोई में हमें सीखने की जरूरत है। नए नए जो वीडियोज नए नए शेफ के आते हैं तो आप देखिए हेल्दी फूड की वो सबसे ज्यादा जोर है और सारे बच्चों को एक नई बात समझ में आ गई कि पहले के जमाने में तला और भुना बहुत खाते थे और हमेशा टोकते हैं कि अरे मम्मी इतना तला भुना, लेकिन एक चीज वो भूल गए कि तला और भुना से परहेज करते करते भारतीय व्यंजन का जो मूल आधार है हमारे मसाले हमारी दालें और हमारी सब्जियां उनसे दूर होते चले जा रहे हैं। मैं देख रही थी कि इसमें एक डिश है अलसी के लड्डू। अब अलसी जिसको आजकल फ्लैक्स सीड बोलते हैं उसको जितने भी इस समय आप न्यूट्रिशनिस्ट देख लीजिए, डाइटिशियंस देख लीजिए, जितने जिमर्स को देख लीजिए, जितने स्पोर्ट्समैन को देख लीजिए, अलसी सबके घर का एक अनिवार्य इस समय जायज है। लोग अलसी के पाउडर को फांकते हैं पानी साथ ही लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ खेल खेल में किस तरह से अलसी का लड्डू बना करके खिला दिए जाते थे। ये इस प्रकार से ये किताब मुझे लगता है बहुत न सिर्फ व्यवहारिक है बहुत लाभदायक होगी और बहुत सारी जो हमारी दादी अम्मा की रसोई से गुम होती हुई डिशेज है वो वापस उपलब्ध में आएंगी। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ पूरे परिवार को। सबसे सुंदर बात यही है कि पोते ने भी तस्वीरें इसमें खींच करके पूर्णता प्रदान की, यानी कि नई पीढ़ी तक भी ये बात आगे गई है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। सबसे बड़ा सम्मान यही है कि पूरी इसमें बहुएं भी शामिल हुई हैं, बेटे तो हैं ही हैं शामिल और पोते ने जिस प्रकार से तस्वीरें डाल करके उसमें एक अपना योगदान दिया है तो मैं आप ये यही परंपरा चलती रहे बहुत बहुत शुभकामनाएं के साथ पूरे पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। परिवार में जब तीन पीढ़ियां एक साथ रहती हैं संयुक्त परिवार में संस्कार अपने आप जन्म लेते हैं, क्योंकि वो सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, बड़े बुजुर्गों को देख करके नए लोग सीखते चले जाते हैं। और ये जो पूरी पुस्तक है अपने आप में पहली बार संस्कार का द्योतक है कि तीन पीढ़ी मिलकर के किस तरह से दादी अम्मा के खजाने को सामने लेकर आई हूँ ज्ञान परंपरा। इस पुस्तक में मैं देख रही थी कि भोजन में उन्होंने जो कुछ बताया है उसके अलावा जो आजकल आपने देखा है कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का बिल्कुल चलन खत्म हो गया है तो उन्होंने ठंडा पेय सारे अचार मुरब्बा जैम, मेरी सास मेरी माँ मुझे याद है घर में ही जैम बनाती थी, टमाटर उस जमाने 12 महीने नहीं आते थे प्यूरी घर में बनाती थी, हमारे यहाँ सॉस घर में बनती थी और आजकल तो हर चीज बाजार से आती है। कोरोना के टाइम पे समझ में आ गया सबको कि अपना हाथ जगन्नाथ अपने घर में सबसे सेफ है अपनी चीजों को बनाना, लेकिन उन्हें नहीं मालूम है वहां पे ये किताब इतनी उपयोगी। और साथ ही साथ जितने अपने त्योहार व्रत पर्व जैसा आपने भी बताए हैं कि सारे संस्कार हैं, लेकिन साथ ही साथ कई बार आजकल शादी जैसा भी जो हमारा विवाह जैसा संस्कार भी है वो भी हमने पंडितों के ऊपर छोड़ दिया है कि पंडित ही रात में जब पूरी शर्तें होंगी तो बताएगा विवाह के वचन बताएगा,
सबसे आवश्यक है कि जितने भी विवाह में रस्म होती हुई रस्में हैं, हम कई बार बिना उनको जाने सिर्फ इसलिए बस तो उन पर अमल करते जाते हैं क्योंकि बड़े बुजुर्ग कह गए इससे ऐसा हो रहा है। ये इतना सशक्त पक्ष है इस पुस्तक का कि सारी रस्मों के बारे में भी उन्होंने बताया कि क्यों द्वाराचार होता है, हल्दी क्यों लगती है, हल्दी की रस्म क्यों होती है, और इन संस्कारों के संग संग जितने तीज त्योहार हैं वो भी बताए। जैसा मैंने पहले ही कहा कि अपने आप में संपूर्ण पूरी पुस्तक है, और बहुत बहुत पुनः अभिवादन और अभिनंदन करना चाहूंगी आपके पूरे परिवार का, विशेष रूप से मनोरमा जी माता जी। नमस्ते, मैं संकल्प सिंह पूर्वांचल की इस पुस्तक मनोरमा दादी माँ का खजाना पर मैं कुछ शब्द बोलना चाहता हूँ। अच्छा भोजन दिमाग में अच्छे विचार लाता है। कुकिंग के लिए दो चीज इम्पोर्टेंट है, पहली साइंस ऑफ कुकिंग, दूसरी स्किल एंड वैल्यू ऑफ सिस्टम। पूर्वांचल की इस पुस्तक मनोरमा दादी माँ का खजाना पर इन दोनों ही चीजों को इम्पोर्टेंट दी गई है। फिर लास्ट अंत में ये बोलना चाहता हूँ कि मेरी प्यारी नानी जी, नाना जी एवं मामा जी को इस पुस्तक के विमोचन के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद। नमस्कार दीदी, और आज हम इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं मनोरमा दादी माँ का खजाना एवं संस्कार। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले, वसुधा का कल्याण न भूले। और यह पुस्तक के जो हम सबको आपस में जोड़ रही है, इसके लिए मैं सबसे पहले मनोरमा दादी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और दीदी आज की जो सरस्वती माँ जिनके कंठ में वास करती हैं उनको मैं हार्दिक नमन करती हूँ, जो कि आज की मुख्य अतिथि है और जो इस पुस्तक का विमोचन करेंगी। पुस्तक के लेखक सत्येंद्र सिंह जी, मैं आपको प्रणाम बहुत बहुत, और साथ में उनकी धर्मपत्नी जी को। और यह कि जिस में कि एक संस्कृति के हम विषय बता रहे हैं, वहाँ पर तीन पीढ़ियों का मिलन हमने देखा। दादी माँ के मन में विचार आया, पुत्र ने सत्येंद्र भैया ने उसको एक साकार रूप दिया और उसमें रंग भरे उनके पुत्र अंशुमन ने, जिसमें इतनी तीन पीढ़ियों का मिलन इतना सुंदर हो, वहाँ पर पुस्तक के अंदर कितना कुछ होगा, यह एक कल्पना मात्र से हमारे बड़े है। माता जी को मेरा प्रणाम कहिएगा। अच्छा दीदी, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। यह पुस्तक जो लिखी गई है वह इसलिए लिखी गई है ताकि आप लोग इसको पढ़ें और अपने संस्कारों को आप लोग समझें और उसको अमल में लाएं। जो भी आपके संस्कार हैं जो कि आप लोग भूल चुके हैं और हम लोग भी भूल चुके हैं, हमारी आगे वाली पीढ़ी को हम लोग उसको समझाएं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कौन से व्यंजन या कौन से संस्कार हैं हमारे जिनको कि हमें अपने जीवन में उतारना है और उन पे अमल करना है। तो उन चीज़ों को हम पालन करें, इसी को क्रम में रखते हुए हम डॉक्टर अनिल वशिष्ठ हैं। मनोरमा दादी माँ का खजाना एवं हमारे संस्कार के विमोचन समारोह में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथि, पाठकगण एवं पूर्वांचल संस्कृति के पोषक गणमान्य अतिथियों का बहुत बहुत आभार। आप सबको उपस्थिति को नमन है, क्योंकि किसी देश की संस्कृति को संरक्षित रखना एक पुनीत कार्य है। कहा गया है कि यदि किसी देश को तबाह करना है तो उसकी संस्कृति को नष्ट कर दो। पाश्चात्य संस्कृति के प्रचार प्रसार, मीडिया और इंटरनेट के अश्लील प्रकाशन व प्रसारण ने हमारी परंपराओं को एक ग्रहण लगा दिया है। ऐसे में पूर्वांचल के पकवान एवं संस्कार से जुड़ी पुस्तक मनोरमा दादी का खजाना एवं हमारे संस्कार का प्रकाशन एक ठंडी हवा के झोंके के समान है, जो हमारी नई पीढ़ी में भारतीय संस्कारों का समावेश करे। सर्वप्रथम आभार
भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को विश्व भर में कीर्तिमान शिखर तक पहुंचाने वाली, पूर्वांचल संस्कृति में जीवन और प्राण फूंकने वाली कोटि कोटि हृदय की सामग्री, जिन्हें हम सदैव ही गुनगुनाते हैं, वन एंड ओनली वन पद्म श्री मालिनी अवस्थी, उनका मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ। उन्होंने इस पुस्तक का विमोचन कर हम सभी को कृतार्थ किया है। उनके सम्मान में दो पंक्तियां भी मेरी तरफ से हैं कि अधरों पर मुस्कान बिखेरे आते हैं, देख तुम्हारी छवि फूल मुस्काते हैं, खुशबू की सौगात बहारें लाती हैं, हर जन तुमको देख देख मुस्काते हैं। दूसरा आभार उसको जिसने खील की तरह बिखरे हुए शब्दों को एक माला में पिरोकर एक पुस्तक के रूप में सजाया और संवारा। जी हाँ, दूसरा आभार इस पुस्तक की लेखिका श्रीमती मनोरमा सिंह जी को। मनोरमा जी की यह पुस्तक यहाँ जिसे जहाँ आप संस्कारों को भूलते चले जा रहे हैं उनकी याद दिलाएगी, वहीं आपके मुंह में खट्टे मोटे पूर्वांचल के पकवानों का रस भी घोलेगी। आदमी को प्रसन्न रखने का एक रास्ता पेट से होकर भी जाता है। हमारा आभार श्री शीतला प्रसाद सिंह जी को, जिनकी प्रेरणा स्वरूप उनकी पत्नी श्रीमती मनोरमा सिंह पर माँ सरस्वती की कृपा हुई और उनकी लेखनी से यह पुस्तक प्रकाशित हो पाई। सुंदर मुख पृष्ठ, त्रुटि रहित छपाई व सुंदर पृष्ठ कलेवर वाले प्रकाशक का आभार, onlinegatha.com का आभार जिन्होंने एक राष्ट्रीय स्तरीय पुस्तक का प्रकाशन किया। हम आभारी हैं पूर्वांचल संस्कृति के संगीत की स्वर लहरी में कजरी ठुमरी व होली के रूप में गुनगुनाने को विवश करने वाले भोजपुरी गीतों के लोकप्रिय गायक व दिल्ली के दुलारे सांसद श्री मनोज तिवारी को, जिन्होंने इस पुस्तक के प्रकाशन हेतु अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। हम धन्यवाद अर्पित करते हैं चित्रांकन संपादक अंशुमन सिंह को, जो एक शौकिया फोटोग्राफर हैं जिनकी प्रतिभा इस पुस्तक में परिलक्षित है। अभी मात्र 12वीं कक्षा इन्होंने उत्तीर्ण की है, ये बहुत मेधावी रहे हैं। हमारा धन्यवाद इस पुस्तक के मुख्य संपादक श्री सत्येंद्र सिंह जी को, जो एक लब्ध प्रतिष्ठित पर्यावरणविद, समाजसेवी व आदरणीय मनोरमा देवी के बड़े सुपुत्र हैं। श्रीमती बबीता सिंह जी को कोटेज धन्यवाद, जो सत्येंद्र जी की जीवन संगनी व सहचरी हैं और कदम कदम पर सदैव उनके साथ रहती हैं और उनको प्रेरणा देती हैं और उनमें शक्ति का संचार करती हैं। मेरा धन्यवाद श्री नितेंद्र सिंह जी को, जिन्होंने फास्ट फूड एवं जंक फूड को त्याग कर अपनी माँ व लेखिका के खट्टे मीठे पकवानों का स्वाद लेकर 56 भोगों का रसास्वादन किया है। मैं कृतज्ञ हूँ श्रीमती दीपमाला सिंह का, जो जितेंद्र जी की जीवन संगनी हैं और पूर्वांचल संस्कारों की संवाहक के रूप में परंपराओं का निर्वहन कर रही हैं। मैं संगीतज्ञ रूबी माथुर जी का भी आभारी हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम का सफल संचालन भी किया है। और साथ ही मैं धन्यवाद देता हूँ अपनी सहचरी श्रीमती योगेश वशिष्ठ का, जिनका संचालन अभी आप देख चुके हैं। अंत में मैं सभी प्रबुद्ध सज्जनों, परिवार के सभी शुभचिंतकों, पाठकों को सभी को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम में पधारकर विमोचन समारोह की शोभा बढ़ाई है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।